हेलो स्टूडेंट्स, देवेंद्र एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको कक्षा 11वीं का जो आपका कल हिंदी विषय का पेपर होने वाला है अर्धवार्षिक परीक्षा का, तो उसके लिए मैं कुछ आप इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो मैंने सेलेक्ट किए, तो कल की परीक्षा के लिए जो आपका कल पेपर होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए और जो भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इस वीडियो में वो सभी क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है सभी क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चन को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपका कल पेपर होने वाला है हिंदी का। ठीक है ना, कक्षा 11वीं वालों का, तो ये हिंदी विषय के एक एक क्वेश्चन जो मैंने आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ वो सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी क्वेश्चन को आप एक बार अच्छे से तैयार कर लीजिए क्योंकि आपके पास टाइम कम है, कल आपका पेपर होने वाला है तो आपके पास टाइम बहुत ही कम है ना। तो आप इन क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर लीजिए, एक बार इनका रिविजन कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आएंगे। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से तैयार कर लेना है आपको। तो देखिए, जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है, इसको आपको अच्छे से तैयार कर लेना। देखिए, मैंने आंसर मैं इसलिए नहीं दिया, आंसर आपके पास अवेलेबल है, बस आपको पता नहीं है कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं। ठीक है, तो आपको इन सभी क्वेश्चनों के आंसर अपने से ढूंढ के अपने आपको याद कर लेना, अच्छे से तैयार कर लेना, एक बार इसको जरूर देख लेना। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरा देखिए, कहानी के तथ्यों के नाम लिखो। तीसरा देखो, जीवनी तथा आत्मकथा में क्या अंतर है। चौथा, निबंध की परिभाषा दीजिए। पांचवा, रहस्यवाद की विशेषताएं लिखो। छठवा, देख लीजिए, घनानंद सुजान को क्या उलाहना देते हैं। ये देखिए, इसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म सभी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ठीक है, तो आप सभी को अच्छे से तैयार कर लेना है। सातवा देखिए, लोग मीरा को बाबरी क्यों कहते हैं। आठवा, उजरी कौन थी। नौवा देखिए, लोकलाज खोने का क्या अभिप्राय। दसवा देखिए, बंसीधर तिवारी कौन थे। ग्यारहवा देखिए, मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान कहाँ स्थित थी और कैसी थी। इसके बाद बारहवा देखिए, बारहवा नमक का दरोगा कहानी का शीर्षक लिखो, इसके बाद बताओ। ठीक है, इसके बाद तेरहवा देख लीजिए, चेजारो अपने सिर की रक्षा कैसे करते हैं। चौदहवा देखिए, करुण रस क्या है। पंद्रहवा देख लीजिए, शास्त्रीय तथा चित्रपट संगीत में क्या अंतर है। इसके बाद देखिए, सोलहवा क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट वो देखिए, भारतीय संगीतज्ञों की क्या विशेषता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, सत्रहवा जो हमारा क्वेश्चन है वो समाचार की परिभाषा, देखिए समाचार की परिभाषा देनी इसमें। ठीक है, इसके बाद देखिए, अठारहवा देखिए, पत्रकारिता से क्या समझते हैं। इसके बाद उन्नीसवा, श्लेष अलंकार की परिभाषा दीजिए। बीसवा देखिए, महाकाव्य की तीन विशेषताएँ बताना है। ठीक है, इक्कीसवा देख लीजिए, कुंडलियाँ छंद की सोदाहरण परिभाषा दो, मतलब कुंडलियाँ छंद की हमें परिभाषा देनी है उदाहरण से। ठीक है, इसके बाद देखिए, बाईसवीं क्वेश्चन में जो मैंने शामिल किया निबंध लेखन। ठीक है, इसमें निबंध लेखन, अब निबंध में देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। पहला है आपका विज्ञान और मानव, ये हर साल आता है तो आपको इसको अच्छे से तैयार कर ही लेना। ठीक है, इसके बाद महंगाई की समस्या, कोविड-19 और आतंकवाद। तो इसमें से जो कोविड-19 है वो देखिए, रिसेंटली जैसे कि ये चल रहा है अभी है ना, तो ये आपका कोविड-19 का ये आएगा ही। इसके अलावा जो बार बार आता है, हर साल आता है, वो है आपका विज्ञान और मानव। ठीक है, तो इन दोनों को आपको अच्छे से तैयार कर लेना, एक ना एक आपको आ ही जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, जो हमारा तीसवा जो क्वेश्चन है वो है पत्र लेखन। पत्र लेखन देख लीजिए, पत्र लेखन में हमें क्या है, देखिए, हमारे परीक्षा अवधि से लाउड स्पीकरों के बजाने पर प्रतिबंध लगाने का निवेदन करते हुए जिला अधिकारी को पत्र, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके दूसरा देखिए, अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र, तो इन दोनों पत्रों को भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना। तो देखिए, जो भी मैंने इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताए हैं, 23 क्वेश्चन, सभी के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका कल पेपर होने वाला है, आप एक नज़र इसको जरूर देख लीजिए, सभी क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, है ना, क्योंकि आपका कल पेपर है, टाइम कम है आपके पास। ठीक है, तो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पढ़ लीजिए, इतना आपने पढ़ा वो काफ़ी है। तो अब आप पूरा रिवीजन नहीं कर सकते एक दिन में, एक रात में। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से देख लीजिए इस क्वेश्चनों को, और इनको आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि आपकी परीक्षा में ये देखने को जरूर मिलेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मेरे इस चैनल पर आपको सभी प्रकार के स्टडी से रिलेटेड वीडियोज और पेपर वगैरह मिलते रहते हैं। जो भी न्यू नोटिफिकेशन आता है वो सब मैं इस पर शेयर करता हूँ। ठीक है, तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। ठीक है, थैंक यू।